एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। चर्म उद्योग पर केंद्रित इस श्रृंखला में आपने अन्य विषयों के अलावा तरह तरह की मशीनों और उनकी कार्य प्रणाली के बारे में बहुत कुछ सीखा। चलते चलते हम आ पहुँचे हैं पोस्ट बेड डबल नीडल सीविंग मशीन पर। तो आइए देखते हैं इसके विभिन्न कलपुर्जों को और कैसे काम करते हैं वे पुर्जे। यूं तो इस मशीन के सभी कलपुर्जे पोस्ट बेड सिंगल नीडल मशीन की भांति होते हैं, पर एक फर्क होता है। पोस्ट बेड डबल नीडल मशीन के कुछ कलपुर्जों की संख्या दो होती है। ये देखिए, एक नीडल गाइड जो नीडल अर्थात सुई को स्टिचिंग हेतु निर्धारित लाइनों में ही रखता है, नीडल को नैरो या वाइड रो में बहकने नहीं देता। और ये रहा पोस्ट, ये गोलाकार भाग कंपोनेंट के 3D ढांचे को सिलाई करने में सहायक होता है। सिलाई के लिए उपयुक्त लंबाई व साइज के ऊपर कंपोनेंट की पोस्ट की ऊंचाई के अनुसार चयन किया जाता है। सिलाई में सुई की महत्ता पर बात करना एक बात हो सकती है, परंतु सुई बदलने की जरूरत और कैसे बदले सुई, ये समझना निहायत ही जरूरी है। इसके लिए दो अतिरिक्त नीडल और एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, जैसा कि पहले ही बताया गया है। और जिसे सदैव याद रखना है वो ये है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत मशीन स्विच ऑफ कर होती है। अब नीडल उठाएं और छोटे स्क्रू ड्राइवर को मशीन के दाएं किनारे वाले नीडल स्क्रू के सामने रखें। अब नीडल के शंक को बाईं ओर नीडल बार में रखकर जहां तक संभव हो अंदर जाने दें। इसका ध्यान रखें कि नीडल का आई यानी आंख मशीन के फ्रंट के समानांतर हो। नीडल स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए दोबारा कस दें। अब दूसरा नीडल उठा लें। इसका क्लियरेंस कट दाईं ओर के हुक के सामने हो। दाईं ओर की सुई या नीडल को कभी कभी फ्रंट नीडल कहते हैं और बाईं ओर के नीडल को बैक नीडल कहते हैं। नीडल के शंक को नीडल बार में अंदर जहां तक संभव हो जाने दें। एक बार फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से नीडल स्क्रू को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हुए टाइट कर दें। मुझे यकीन है आपके लिए आसान होगी अगली प्रक्रिया टॉप थ्रेडिंग। सारी थ्रेडिंग प्रक्रिया फ्लैट बे डबल नीडल जैसी ही है। लगभग 6 सेंटीमीटर थ्रेड छोड़ें। संभव है आपको नीडल थ्रेडिंग से पहले थ्रेड को नए सिरे से काटना पड़े। खैर, अब कुछ बॉटम थ्रेडिंग की बात। दरअसल बॉटम थ्रेडिंग के मामले में यह मशीन फ्लैट बेड मशीन की तरह ही होती है। हाँ, इसमें दो हुक असेंबली यानी दो बॉबिन केस होते हैं। दोनों बॉटम थ्रेड को एक ही बार में ऊपर खींच लिया जाता है। इस दौरान दोनों हुक विपरीत दिशा में चलते दिखाई पड़ते हैं। और अब देखते हैं इस मशीन से 4 लाइन की सिलाई। लाइन स्टिचिंग के 3 सबसे कारगर तरीके हैं। इसमें पहला है राइट नीडल स्टिचिंग यानी दाई सुई से सिलाई। इसमें दाई सुई मार्किंग लाइन पर चलाई जाती है। लेफ्ट नीडल स्टिचिंग दूसरा प्रकार है जिसमें मार्किंग लाइन पर बाई सुई रहती है। और तीसरा वो तरीका है जिसमें मार्किंग लाइन के दोनों ओर दोनों सुइयां चलती हैं। ये लाइन को दो भागों में बांटती चलती हैं। और अब देखते हैं लाइन स्टिचिंग की पूरी प्रक्रिया विस्तार से। सबसे पहले 2 स्ट्रिप्स लें, सभी पर 4 लाइन स्टिच मार्क कर दें। अब मार्किंग लाइन पर स्टिच करना शुरू कर दें। सिलाई करते समय स्ट्रिप का अधिकांश भाग प्रेशर व्हील के नीचे होना चाहिए। पीस को पकड़ते हुए नीडल प्लेट पर अपनी उंगलियां जमा कर रखें। दरअसल ये एक गाइड की तरह काम करेगा। इस प्रकार आप स्ट्रिप के अंत तक सिलाई करते हुए सरपट भाग सकते हैं। अब स्ट्रिप को घुमा लें और दूसरी लाइन सिलते हुए वापस आ जाएं। ये क्रम तब तक जारी रखें जब तक कि सभी 4 लाइनें स्टिच न हो जाएं। याद रहे, इनमें प्रत्येक स्ट्रिप के लिए समय सीमा 40 सेकंड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डबल कर्व लैप सीम पर।
इसके लिए सबसे पहले तो एक ही साइड का कोई कंपोनेंट लें, इसकी संख्या 10 हो। उन्हें इस प्रकार करीनी से रखें कि स्टिच करते हुए जब आप उन्हें उठाएं तो वो सिलने के लिए तैयार हों, अर्थात फिर से तैयारी में समय न गंवाना पड़े। दो कंपोनेंट्स को इकट्ठे उठाएं, एक को दूसरे से ऊपर कोर से लगभग 5 मिलीमीटर की दूरी पर रखें। अब एक समान गति से सिलाई शुरू करें। सिलाई कोर यानी एज से 1.5 मिलीमीटर दूर रहे। अब सीधे बाहर निकल जाएं। मानक के लिहाज से स्क्रीन पर गौर करें। स्टिचिंग एज यानी कोर से 1.5 मिलीमीटर से अधिक दूर न हो। स्टिचिंग एज से एक लाइन में सीधी होनी चाहिए। कंपोनेंट्स एक दूसरे से समानांतर हों और उनके बीच लगभग 5 मिलीमीटर की दूरी हो। ध्यान रहे, आपकी अधिकतम 5 गलतियां मान्य हैं। याद रहे, इनमें प्रत्येक कंपोनेंट के लिए समय सीमा 25 सेकंड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एज चेन स्टिचिंग पर। यह बहुत ही बारीक काम है। आइए देखते हैं कैसे एज पर स्टिचिंग शुरू करें। स्ट्रिप की सभी लंबाइयों को एज से 1.5 मिलीमीटर दूर रखें। स्ट्रिप के अंत तक पहुंचने से ठीक पहले अगली स्ट्रिप फीड कर दें और एज के साथ साथ स्टिच जारी रखें। प्रत्येक स्ट्रिप के बीच थ्रेड को काटे नहीं, प्लेट पर अपनी उंगलियां कस कर रखें। ये एक गाइड की तरह काम करेगा। इसी प्रकार शेष सभी स्ट्रिप को पूरा करें। अब एक नजर मानकों पर। स्टिचिंग एज से 1.5 मिलीमीटर से दूर नहीं हो। स्टिचिंग एज से इधर उधर न भागे। एक स्ट्रिप से दूसरे पर दौड़ते वक्त स्टिच समान होनी ही चाहिए। 5 से अधिक गलतियां अच्छी बात नहीं है। मित्रों, आपने पोस्ट बेड डबल नीडल मशीन के विभिन्न पहलुओं को देखा। अगली कड़ी में हमारे सामने होगी एक अलग मशीन। फिलहाल अलविदा, पर जाते जाते सवाल जरूर देखते जाएं। इस मशीन में सुई कैसे बदलते हैं?